अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। मेरा नाम है मनसीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइन स्टूडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगो, आप गेमिंग लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐप के ज़रिए आप बहुत ही ईजी तरीके के साथ अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे जाना है, मेरे पास ऐप स्टोर है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है ई स्पोर्ट्स लोगो मेकर। सर्च करने के बाद ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है ना लोगो, ई स्पोर्ट्स मेकर, और नीचे भी लिखा हुआ है ये ई स्पोर्ट्स गेमिंग लोगो, इसको आपने डाउनलोड करना है। अब मेरे ये डाउनलोड है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना रेडीमेड, तो अब ये आपके सामने बहुत सारे लोगो आपको शो करवा देगा। देखिए काफ़ी सारे हैं और ये सारे लोगो फ्री में हैं। तो इनमें से मैं ये वाला लोगो है। अब नीचे इसने सारे हमें ऑप्शन दे दिए हैं, कलर, ओपेसिटी, स्ट्रोक। अब आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। ये देखें, वो जगह छोड़ी, वो ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। तो नेम कैसे लिखना है, ये कंट्रोल वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ये पेंसिल नज़र आ रही है, इसको यहाँ से आपने रिमूव कर देना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेमिंग और डन करता हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे गेमिंग लिखा गया। अब इसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं, कितना रोटेट करना है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। इसके पास सेकेंड ऑप्शन है स्टाइल वाला। स्टाइल पर आने के बाद आपने यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी राइटिंग है उसको सेलेक्ट कर लेना। आप सिंपल राइटिंग को यूज़ करें जब आप लोगो बना रहे हो। और मुझे जो सबसे अच्छी राइटिंग यहाँ पे लग रही है ना, वो ये वाली लग रही है सिंपल, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अब इसके बाद आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं बहुत सारे। अच्छा, इसके बाद कलर्स वाला ऑप्शन, आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी वाला ऑप्शन है, इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रोक वाला ऑप्शन, और सॉरी ओपेसिटी को 100 ही करते हैं। स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं ये साइड पे। फिर टेक्स्चर आ गया, टेक्स्चर में आप इस राइटिंग के अंदर वाले कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला ठीक है, मैच कर रहा है। इसके बाद आ गया स्पेसिंग। अच्छा, स्पेसिंग में ये आप इसमें गैप कर सकते हो, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद शेडो है, इसकी जो बैक की शेडो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये ब्लैक है, हम इतनी शो नहीं होगी। और ये देखें, हमारा लोगो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो नेम लिखने के बाद आपने इसको सेव कर लेना। सेव करने का क्या तरीका है ऊपर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बैकग्राउंड है, आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका लोगो है ना, इसके पीछे आप ये वाला बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ये वाला बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए, हम ऊपर से ना इसको बैक कर देंगे, ठीक है। ये बैकग्राउंड भी है। अच्छा, स्टिकर भी आगे, जो आप आगे लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट है, ये सिंपल, ये नीचे ऑप्शन है। अच्छा, इमेज में आप कोई अपनी इमेज ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऊपर आपको एक ऑप्शन आ रहा है एरो का, एरो के साथ एक और एरो का, नीचे ये वाला एरो वाला ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव ट्रांसपेरेंट, इसका ये मतलब होगा जो आपका बैकग्राउंड है ना पीछे, ये लोगों के पीछे जो बैकग्राउंड है ये नहीं आएगा, सिर्फ लोगो आपका सेफ होगा। अच्छा, इसके बाद है 1024। अच्छा, मैं इसको हाई पिक्सल पे सेव करता हूँ, और ये हमारा लोगो हो चुका है सेफ। अब मैं वो देखें, अब मैं गैलरी में जाता हूँ, तो ये देखें हमारा लोगो गैलरी में सेफ हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आपने और भी लोगों वाली वीडियो देखनी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि हमें और वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।